हेलो, मेरा नाम उज्ज्वल आनंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो जो आज का वीडियो है वो मैं स्पेसिफिक मॉइल के लिए बना रहा हूँ, कि बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स आ रहे थे कि सर मॉइल के रिगार्डिंग कोई वीडियो बनाइए, कि मॉइल के लिए कैसे तैयारी करें, पेपर कैसे आता है, क्योंकि इसका जो पेपर है वो आपको ऑनलाइन मोस्टली अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत सारे कंसर्न आ रहे हैं बच्चों के जिन्होंने पेपर नहीं दिया है लास्ट ईयर वाला 2023 का रिक्रूटमेंट का, मैनेजमेंट ट्रेनी का या ग्रेजुएट ट्रेनिंग का। तो उनको पता नहीं है कि पेपर का लेवल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो पेपर है वो 85 मार्क्स का होगा, दो सेक्शन में बटा रहता है। अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें ये मेंशन है, सेक्शन ए जो होता है उसमें 30 नॉन टेक क्वेश्चंस आते हैं, और सेक्शन बी जो होता है वो आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के आते हैं। अगर मैं मैकेनिकल का हूँ तो मैकेनिकल के आएंगे, या इलेक्ट्रिकल का होगा तो इलेक्ट्रिकल के आएगा। तो वो 30 और 55 में दो सेक्शन बटे होते हैं, तो टोटल 85 मार्क्स का आपका पेपर है। और जो टाइम एलोकेट किया गया है आपको 90 मिनट्स का है। ठीक है, मतलब 1.5 घंटे के आसपास का पेपर है आपका ये। तो इसमें कई बार लास्ट टाइम बहुत बच्चे ने नोटिफिकेशन ढंग से नहीं पढ़ा था, उनको ये पता ही नहीं था कि सेक्शन ए जो 30 मार्क्स का है, सेक्शन बी जो 55 मार्क्स का है, इन दोनों सेक्शन में इंडिविजुअली आपको 50% मार्क्स फॉर यूआर और आई थिंक 40% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी आपको लाने हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शन ए और सेक्शन बी में। मतलब अगर सेक्शन ए जो 30 मार्क्स का है, फॉर यू आर आपको मिनिमम 15 मार्क्स लाने होंगे, तब आपका सेक्शन टू चेक होगा और ओवरऑल लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो दोनों सेक्शन में आपको 50-50% नंबर लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जिनका टेक्निकल बहुत अच्छा गया था लास्ट टाइम भी, आई मीन 55 में कई लोगों ने तो 42-43 अच्छे सही जेन्युइन अटेम्प्ट करके आए थे, सही अटेम्प्ट करके आए थे जो उनको लगा, बट उनका नॉन टेक में 15 से कम हुआ तो वो ओवरऑल क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। भले ही उनके नंबर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट से वो ज़्यादा हो सकते हैं, बट क्योंकि वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, मिनिमम नंबर नहीं ला पाए, तो वो डिसक्वालीफाई हो गए थे। तो इस बार आपको अच्छे से ध्यान देना है, खासकर जो टेक्निकल की तैयारी कर रहा है उसको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो नॉन टेक का पेपर आता है, मैं आपको बता देता हूँ, 30 मार्क्स का है वो सेक्शन ए। उसमें जो 10 क्वेश्चन होते हैं आपके वो इंग्लिश के होते हैं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 10 क्वेश्चन जीएस के होते हैं। पेपर आईबीपीएस कंडक्ट कराता है, तो आईबीपीएस का जो नॉन टेक पोर्शन होता है वो अच्छे लेवल के होते हैं, टेक्निकल पोर्शन एवरेज या बिलो एवरेज लेवल के आपको दिखेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली जो जेई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उसके ही आसपास आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूँ। नॉन टेक में आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है, आपको थोड़ा टाइम है अभी तो। ठीक है, नोटिफिकेशन का फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है, फॉर्म भी भरने शुरू हो गए हैं, तो जो जो भी आप ब्रांचेस के हैं आपको नॉन टेक एक बार अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। रीजनिंग जो था पिछले बार भी वो अच्छे लेवल के आया था, क्योंकि आईबीपीएस कंडक्ट कराती है तो वो लगभग थोड़े बैंक वैंक के लेवल के पेपर देती है, तो आपको उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपसे नहीं बनेगा। जब मैंने पेपर दिया था लास्ट ईयर मॉइल का, तो मैंने क्योंकि मेरा टेक्निकल ठीक था और नॉन टेक बेकार था, बट रीजनिंग मुझे आती थी, तो मैंने सबसे पहले रीजनिंग से शुरू किया। मैंने 5 मिनट लगाया और मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं बने, इतना प्रेशर में मैं आ गया था। तो मैंने तुरंत सेक्शन ए छोड़ा, पहले मैं टेक्निकल में गया, और टेक्निकल के पेपर रिलेटिवली ईजी रहता है आईबीपीएस का, तो मैंने टेक्निकल को मनाया। तो 55 में मैंने आई थिंक 54 अटेम्प्ट किए थे, और लगभग मुझे जो टाइम लगा था शायद वो 25 या 30 मिनट्स में मैंने 55 क्वेश्चंस में 54 अटेम्प्ट कर लिए थे। तो उसके बाद जब टाइम मेरे पास बच गया लगभग 65 to 70 मिनट्स, तो मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल लगा कि हाँ अब 30 क्वेश्चंस में आराम से अटेम्प्ट कर लूंगा, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग थे। तो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, अगर आपको नॉन टेक भी अच्छे से अटेम्प्ट करना है, तो आपको टेक्निकल को थोड़ा अच्छे से जल्दी बनाना पड़ेगा, और टेक्निकल बन जाता है। अगर वो वन लाइनर पेपर आता है जनरली, डायरेक्टली फॉर्मूले पूछ लेता है, तो वो आपसे टेक्निकल बन जाता है। जो इतने समय से एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, एसएससी की तैयारी कर रहा होगा, या अदर अभी सेल का भी पीएसयू का पेपर हुआ है, जो भी इन सब की तैयारी कर रहा होगा उससे ये बन जाएगा पेपर। मेनली उनको प्रॉब्लम आती है नॉन टेक में, क्योंकि नॉन टेक भी अब क्वालिफाई नेचर का कर दिया, मतलब 50% तो आपको नंबर लाने ही पड़ेंगे। तो नॉन टेक में सिंपली आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अभी टाइम है, और अभी बैक टू बैक पेपर होंगे। जो गेट हो गया टेक्निकल पेपर जो था, बार्क का एक टेक्निकल पेपर बचा जो कोर टेक्निकल पेपर है, और इसरो को तो हो चुका है पेपर पुराना वाला। तो अभी जितने भी आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल आएगा। तो जो भी ये बच्चा सोच रहा है कि अरे मैं तो इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल का हूँ या इलेक्ट्रिकल का हूँ, अरे मैं नॉन टेक क्यों पढ़ूँ यार, मैं तो कोर से ही नौकरी ले लूंगा, तो देखिए कोर से आप नौकरी ले लेंगे तब उसके लिए लिमिटेड है कि आपको गेट या तो बहुत अच्छा रैंक आ रहा हो, तो उसको तो कोई टेंशन की बात नहीं, उसको कोई ना कोई अच्छा पीएसयू मिल जाएगा। 24 में भी आई थिंक सेल वगैरह ने गेट से रिलेटेड अपना वैकेंसी दिखा दी है कि वो रिक्रूटमेंट करेंगे। जिनका गेट में अच्छी रैंक आ रहा है उनको तो टेंशन नहीं है, बाकी जो बच्चे हैं जिनका गेट पेपर अच्छा नहीं गया हो और वो तैयारी कर रहे हैं,
तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्लीज इस सेशन पे, इस पीरियड ऑफ टाइम पे अपना नॉन टेक्निकल पे ध्यान दीजिए। जो भी आपको अच्छी कोचिंग लगती है, जो आपको प्रॉपर नॉन टेक पढ़ाती है, वो आप उसको बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। आपको एक बार नॉन टेक का सिलेबस अपना कंप्लीट करके रखना है। आप ये बिल्कुल ईगो में मत रहिए कि मैं तो कोर ब्रांच का हूँ, मैं तो मैकेनिकल का हूँ या मैं तो इलेक्ट्रिकल का हूँ, अरे यार मुझे नॉन टेक की क्या जरूरत है। आपको जरूरत तब पड़ेगी जब आपका गेट पेपर अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि गेट पेपर ट्रिकी पेपर है। वो एक या दो क्वेश्चन अगर आपने इधर से उधर हो गए तो जो आपका 700 रैंक था वो 1000 हो जाएगा, जो अंडर 500 थे वो 1000 में आ जाएंगे, तो जो पीएसयू मिलने वाला वो मिलेगा नहीं आपको। फिर आईआईटी या एनआईटी से आपको एमटेक करना पड़ेगा। अगर आपकी चॉइस है हायर एजुकेशन की तो बहुत अच्छी बात है, कई लोग पीएसयू के लिए ही मोस्टली पेपर देते हैं, तो उनके लिए तो फिर डिजास्टर हो जाता है। तो जो भी सेल्फ तैयारी कर रहे हैं गेट के बाद के सेशन के लिए, वो प्लीज़ नॉन टेक को बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। नॉन टेक आपको कंप्लीट करना है, साथ में करंट अफेयर पढ़ना है, उसमें इंग्लिश भी आएगा, तो इंग्लिश भी आपको तैयारी अच्छे से करनी है। आई थिंक रीजनिंग तो जो गेट का पेपर दे रहा है या जो मैकेनिकल का है, जो इंजीनियरिंग का है, वो रीजनिंग और एप्टीट्यूड उनके ठीक होते हैं, क्योंकि जो गेट में भी रीजनिंग आती ही है, एप्टीट्यूड आता ही है, तो वो रीजनिंग तो इधर भी आएगी, तो रीजनिंग में आपको उतनी इशू नहीं होती। गेट में क्या, इंग्लिश 2 या 3 मार्क्स की आती है, तो मोस्ट ऑफ द लोग गेट में इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं उतना। मैंने भी नहीं पढ़ी थी और मुझे इंग्लिश कंफर्टेबल भी नहीं थी, बट इन सब एग्जाम्स के लिए आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। और एक बार इंग्लिश पढ़ लीजिए, जो नॉन टेक का पोर्शन है, एप्टी रीजनिंग हो गया, इंडिया से रिलेटेड हो गया, जीएस हो गया, साइंस हो गया, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, इसमें उतना वेटेज नहीं है। मैं सिर्फ मॉइल के पर्सपेक्टिव में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल आपको बोल रहा हूँ कि जो भी आप अब पेपर देंगे, चाहे आप अभी मॉइल का पेपर दे देंगे या एसएससी जेई का पेपर देंगे, आरआरबी का भी जूनियर इंजीनियर नोटिफाई हो गया, उसमें भी नॉन टेक है, तो जो भी स्टूडेंट सीरियस है इस सेशन पे, वो कृपया कर नॉन टेक आप बिल्कुल तैयार करिए। नॉन टेक अगर आपका गेट पेपर अच्छा नहीं गया तो नॉन टेक ही आपकी की है इस सेशन में जॉब पाने की, वरना आप टेक्निकल में बहुत अच्छा नंबर ला लेंगे पर नॉन टेक में आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे। और कोई बच्चा जो नॉन टेक भी पढ़ रहा है वो आपको आराम से पीछे कर देगा। तो ईगो को छोड़ना है कि यार हम तो इंजीनियरिंग है, जो सिस्टम है वो यही है, तो आपको इसी को फॉलो करना है। जब आप कोई बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाएंगे तो अगर आपको सिस्टम चेंज करना होगा तो वो वहां से होगा, एज अ स्टूडेंट सिस्टम चेंज नहीं होगा। तो आप चुपचाप से अभी जो एज अ सिलेबस है वो आपको पढ़िए अच्छे से, नॉन टेक को तैयारी कीजिए, टेक्निकल भी आप साथ में पढ़िए। जिस दिन ही आपका दोनों चीज अच्छे से अगर कवर हो गया ना, आप एक पोस्ट में भी एग्जाम निकाल लेंगे, आप 4 पोस्ट में भी एग्जाम निकाल लेंगे। बहुत सारे कंसर्न होगा बच्चों के कि सर 5 पोस्ट है अभी तो सिर्फ 5 पोस्ट है ना मॉइल में। अगर मैं मॉइल का स्पेसिफिक बात करूँ, सर 5 पोस्ट है, अरे 5 पोस्ट में तो कैसे हो जाएगा, बहुत टैलेंटेड लोगों का, अरे मेरा हो गया तो आपका भी हो ही जाएगा, मेरे जैसे एवरेज बच्चे का हो गया तो आपका भी हो ही जाएगा, उसमें कौन सा बड़ा बात है। तो कितनी पोस्ट है उन सब पे आप उतना ध्यान मत दीजिए। एज अ स्टूडेंट जाता है दिमाग कि अरे पोस्ट तो बहुत कम है, ऑल ओवर इंडिया एग्जाम है, बट क्योंकि जहाँ नॉन टेक पेपर आता है ना, वहाँ पे थोड़ा कट ऑफ चेंज हो जाता है चीज़ें, और थोड़ी जो चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं। जो कोर में बहुत अच्छा बच्चा भी होगा ना, जो गेट में ऑल ओवर रैंक 1 भी ला रहा होगा, नॉन टेक के साथ वाले पेपर में उसका भी रैंक कम हो सकता है। तो जो नॉन टेक की तैयारी कर रहे हैं या पहले से कर रहे हैं और टेक्निकल भी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, तो इसको वेस्ट मत करिए। ये सेशन में लगातार वैकेंसी आ रही है, कितनी आ रही है, कम आ रही है, उस पर उतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि अरे आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए, वो सब बकवास है, वो उस पर उतना ध्यान ही मत दीजिए। आप सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, रूटीन से आप अपना सिलेबस कंप्लीट अगर करेंगे, कि जो आपने असाइन किया उसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया, नॉन टेक्निकल और प्लस टेक्निकल कर लिया, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि अच्छा आप मॉइल का पेपर दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन तो आपका पक्का निकल जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। बट हाँ, अगर आपने नॉन टेक और टेक्निकल दोनों कवर कर लिया है, तो एक ना एक पेपर आप अच्छा पेपर निकाल लेंगे, और जैसे ही वो निकलेगा तो फिर आपके लाइन से 4-5 पेपर निकलेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा ज्वाइन करना है, कि मुझे ये ज्वाइन करना है या कोई और एग्जाम मेरा जो निकला है वो करना है। बट पहले आप उस लेवल की नॉलेज को गेन कर लीजिए, फिर एग्जाम बिल्कुल निकलेंगे, पहले आप क्विट मत कर देना, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट होंगे आप कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में जो भी आपके डाउट्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक